विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप बैठे हैं नागड़ी। नागड़ी गांव में एक लड़की है नीसुए बे एड बैठी है। इसका मतलब पूछेंगे जो सवाल जवाब है इसकी, मतलब पर्सनल लाइफ का बारे में। इंस्टाग्राम पे भी काफी व्यूज आवे है, इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया वीडियो बनावा है और यूट्यूब चैनल भी है बेबे का। तो पहला तो राम राम बेबे। राम राम भैया। तो बेनू बताओ जिस प्रकार से, देखो पहला तो एक दो मिनट मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। जिस प्रकार से जैसे लड़की गांव की गांव में शादी कर लेती है और जैसे दूसरों के साथ भाग जाती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक वो एक कलंक है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लड़कियां भाग के जाती है ना, उनको एक बार अपने घर वालों की तरफ भी देखना चाहिए कि भाई उनके माँ बाप कैसे हालातों से गुजर रहे हैं, बल्कि उन्हें कामयाब होके दिखाना चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि लड़कियों का कुछ और भी कर सकती है, कुछ और बढ़िया कर सकती है, बेटर डिजर्व करती है। ऐसे भागने से उनकी लाइफ बाद में देखेंगे ना तो बहुत ही घटिया तरीके से लाइफ जी रही है। मैं तो आपको कैसे पता घटिया लाइफ जी रही है? ऐसा भी हो सकता है कई बार जैसे लव मैरिज कर लेते हैं लेकिन बाद में वो अच्छा जीवन भी बिताते हैं। हाँ हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ भाई अगर आप भागने से अलावा गांव के गांव में शादी करने के अलावा भी कई सारे ऑप्शन है। पहले आप अपना करियर बनाएं, अपने पेरेंट्स को राजी करें, फिर आप अपनी शादी कर सकते हैं। आपका करियर नहीं है और आप शादी कर रहे हो, ठीक है, शादी करना कोई खेल नहीं है कि आपको पसंद आया और शादी कर ली। पूरी लाइफ आपकी इस पे डिपेंड है, आपका जीवन भी खराब हो सकता है। तो जैसे गांव के गांव में शादी कर लेते हैं, इसमें आप कितना बुरा समझते हो? मैं बिल्कुल 100% इसको बुरा समझती हूँ। कैसे? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी तो यही थिंकिंग है जहाँ पेरेंट्स कहे, जहाँ पे आपको लगे कि वो पर्सन अंडरस्टैंडिंग हो वही करनी चाहिए। गांव गांव में सभी ब्रदर्स होते हैं, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? लेकिन कई तो कई मतलब कई जगह तो की है, अभी इस हार का मामला था उसमें भी गांव के गांव में शादी कर ली थी। अच्छा, बट देखो मेरे को इसके बारे में नहीं पता कि कहाँ किसने करी है, बट मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये सब चीजें। अच्छा, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये चीजें। तो आप मतलब स्टडी में क्या करते हो? स्टडी मेरी बीए फाइनल चल रही है। मैंने 2 इयर्स फिर कोचिंग भी की थी गवर्नमेंट जॉब की, और 6 मंथ मैंने स्टेनोग्राफी की सीखी थी एंड कंप्यूटर कोर्स भी किया था। अच्छा, इतनी चीजें कर ली। घर ने रिश्ता रास्ता देखा? कौन देखा? नहीं नहीं घर वाले 5 इयर्स तक कह रहे कुछ नहीं करना, अपना करियर बिल्ड करो। करियर में क्या कर रहे हो? करियर में मैंने पहले स्टार्टिंग सोची थी मैं गवर्नमेंट जॉब की करूं, बट फाइनली अब मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूं और अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया। क्या उसमें ऑनलाइन बिजनेस में? एक्चुअली उसके अंदर मैं लोगों को वर्क भी प्रोवाइड करवा रही हूं कि आप कैसे ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। किस प्रकार का ऑनलाइन वर्क? एक्चुअली इसके बारे में मैं डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पे दे सकती हूँ, जो जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आपके पास फोन होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, या फिर 2-3 आवर्स बिल्कुल आपके पास होने चाहिए। हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। सो अगर जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे। क्या नाम है इंस्टाग्राम आईडी? मुस्कान जांगड़ा के नाम से है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में ये तो नहीं देगी लिंक, मैं दे दूंगा भाई, मतलब मेरा चैनल है। तो इब एक बात और बताओ, इब इसमें कितने 5-10 हजार रुपए तो लाने पड़ते होंगे पर शुरू में? नहीं नहीं इतने नहीं लगाने पड़ते। 5,000, 4,000, 3,000 इसके अंदर सिर्फ 2,500 ही लगाने पड़ते हैं। 2,500 रुपये बस, 2,500 बिल्कुल अफोर्डेबल है। इसके अंदर आपको फ्री ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग्स और आपको हर एक चीज सिखाएंगे। कंटेंट आपको बिजनेस का ना बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज से भी ज्यादा नॉलेज आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप कैसे बिजनेस को अर्न कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में अगर जाओगे ना बाद में तो आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग करोगे और आप बहुत ज्यादा कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे जिसपे मैं कर रही हूँ। और मैं अपने जो जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनका बिल्कुल थैंकफुल करती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था, बट फाइनली जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रिकमेंड किया एंड मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं खुद बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। नहीं नहीं ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, ना ही कोई कोर्स सेलिंग है। हम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करती, ये बिल्कुल ऑटोमेशन सिस्टम है। आप आओगे आपको हम बता देंगे सारी डिटेल्स, नो डाउट आपको सब चीज हम क्लियर करवा देंगे। मतलब अगर कोई भी भाई जैसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करे तो उसको मतलब पहले 2,500 रुपये?
नहीं नहीं आप पहले आओ, आप आके हमारे से जानकारी लो, हम आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे हमारा बिजनेस रन करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप हमें फिर पेमेंट कर सकते हो, फिर हम आगे की प्रोसेसिंग अगले को तसल्ली होनी चाहिए पहले। हाँ हम कोई ऐसा नहीं है कि आपको हम फोर्स कर रहे हैं, आप आओ, आपको हमारा बिजनेस अच्छा लगेगा तो आप करना। बाकी मैं तो बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर रही हूँ, तो मैं सभी को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप भी ज्वाइन करो। अच्छा नो नहीं हो जो तू गणे रुपये कमा ले, तेरा माँ बाप उन्हें पूछे नहीं। नहीं 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 मैं अपने पेरेंट्स के लिए ही कर रही हूँ सब कुछ। अच्छा तो जैसे बुढ़ापा में होता है तो जैसे माँ बाप को घर से बाहर हाँ। निकाल देते हैं, काफी वीडियो वायरल हुई, एक बुढ़िया हाँ। की वीडियो वायरल हुई थी वहा इसके अंदर ऐसा नहीं हो भाई तेरे माँ बाप बूढ़े हो जी अरे तू धक्के मार के कैट दे तेरा भाई ने भी सिखा दे गल। एक्चुअली मैं अर्न ही इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं सिर्फ माँ बाप को घर से बाहर निकाल नहीं नहीं ताकि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं सिर्फ अपने जो बाहर के पेरेंट्स है जिनके जिनको बाहर निकाला गया है ना उनको भी वापस एक ऐसी जगह ऐसी प्लेस पे पहुंचाऊं, उनकी स्थिति अच्छी करूं। एक्चुअली मेरे को भी इसके अंदर डोनेशन करनी है इसलिए मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। और मैं रही बात पेरेंट्स को बाहर निकालना, सबसे घटिया चीज ये है कि जिस पेरेंट जो पेरेंट्स हमारे को पालते हैं उसको बाद में घर से निकालते हैं, सच में बहुत। और कुत्तों को फिर पाल भी लेते हैं, देखो आपने देखा कुत्ते पाल लेंगे लेकिन घर वालों को बाहर निकालेंगे, सबसे घटिया है, प्लीज बंद कर दो इस चीज को। तो इस चीज में आप क्या कहना चाहोगे, आप मतलब अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखोगे? मैं अपने माँ बाप का बहुत 100% ख्याल रखूंगी हर चीज में, अपना ओपिनियन से पहले उनके ओपिनियन को भी देखती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ तो अगर हम बात करें इसके अंदर, अब जैसे आपको शादी जैसे घर वालों की मर्जी से करोगे या फिर मतलब अरेंज मैरिज करोगे या फिर लव मैरिज? अभी मेरा कोई मैरिज का ख्याल नहीं है, बाकी मैं पहले अपना करियर बिल्ड करूंगी फिर इसके बारे में सोचूंगी। अच्छा मैरिज तो बाद की बात है। हाँ वो बाद की बात है। लेकिन वैसे मैं तो सलाह ही दूंगा कि अरेंज मैरिज ही बढ़िया होती है घर वालों की सलाह से। वो तो है। तो अगर मान ले घर वाले रिश्ता देख दे तेरा तो मतलब शादी कर ले? नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकती। अच्छा मतलब पहले अपना करियर, मैं अपना करियर बिल्ड करूंगी फिर मैं मेरे टाइप के लेवल का पर्सन देखूंगी। अच्छा तो आपके घर में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है? हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बल्कि जैसे तेरी मम्मी ज्यादा सपोर्ट कर रहे तेरे पापा ज्यादा? मेरे पापा को ज्यादा बिजनेस की नॉलेज है तो मेरे पापा ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मम्मी को भी इन चीजों का तो ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन वो फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो पापा ज्यादा सपोर्ट, तेरी मम्मी फोन पकड़ रही कदे गेट दे? नहीं नहीं मम्मी को नहीं गिरेंगी। तो भाई मैन बात यह है भाई कैमरा मैन को आज काम हो गया था तो कैमरा मैन इसकी मम्मी बन रही है आज। तो इब अपे बात करा लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे अपने करियर के बारे में, भाई जो जिस प्रकार से आपकी कंपनी और कंपनियां होगी तो उसके बारे में? पहले आपको मेरा अगर बिजनेस से स्टार्टिंग रिगार्डिंग मैसेज करना तो आप मुझे ऑनलाइन मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना कि आपका ऑनलाइन वर्क क्या है बताए, तो मैं आपको जितनी जल्दी हो सके मैं मैसेज करके आपको डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगी। और रही बात दूसरा, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? इट्स मुस्कान एस्थेटिक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा तो कौन इट्स मुस्कान एस्थेटिक, बाकी भाई पूछ के बेबे तक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने बोलना को नहीं भाई, तुम चेक कर लियो इसका जो चैनल है। अब कितने महीने से स्टार्ट किया चैनल? जस्ट अभी स्टार्ट किया है, मेरे को शायद 2 मंथ्स हो गए हैं। 2 मंथ हो गए? हाँ, कितने सब्सक्राइबर हो गए? अभी 300 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे। 300 दो महीने में 300 तो बहुत बने हो जाए, इसे पे 3 भी नहीं होते। ऑटोमेशन सिस्टम का ये मेरा चैनल है। अच्छा चैनल पर क्या डालते हो? ये एक ऑटोमेशन सिस्टम है, इसके अंदर मैं खासकर गर्ल्स को रिकमेंड करती हूँ कि गर्ल्स देख सकते हैं, इसके अंदर ब्यूटीज के बारे में ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो जैसे वो लोग बनाते हैं ना पे, वो लोग वो वाली वीडियो नहीं डालते? नहीं मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, रियलिटी है कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया। सोचा है जिससे वीडियो डालना? हाँ अभी मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू व्लॉग्स डाला कर, व्लॉग्स डाला कर। सो अगर सब कुछ अच्छा रहा मैं जल्द ही आपको अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करके दिखाती हूँ, शो करूंगी, फिर आप मेरे इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई यह सही वेबे की पूरी स्टोरी जिस तरह मैंने पहले पूछी थी, इंटरेस्टेड लगी तो इंटरव्यू लिया। तो इट्स मुस्कान एस्थेटिक का नाम का चैनल है, इसका सब्सक्राइब कर दियो भाई। और दूसरी बात यह है बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिस्कस करना चाहता है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो
मुस्कान जांगड़ा के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे? आज का इंटरव्यू सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी कोई इंटरव्यू लेगा। बट देखा जाए, थैंक यू विकास भैया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया एंड सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी जिन पर्सन जो देख रहे हैं, सच में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बिल्कुल, आप जैसे सिचुएशन में अभी हो, मैं आपको इससे अलग चेंज करके दिखा सकती हूँ आपकी सिचुएशन को। चलो भाई, इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दिया और विपिन ईशु का इंटरव्यू अगर आपने बढ़िया लग गया हो या फिर बिजनेस रिलेटेड से कोई भी बात करनी हो तो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन हो रहा है क्या मेरा, तो नू बता भाई, अर्निंग कितनी को जाए? मेरे को जैसे इस बिजनेस में अभी 15 डेज भी नहीं हुए हैं और मैंने 7000 प्लस अर्निंग जनरेट कर ली है इसमें। अब मैं चाहती हूँ कि अभी मैं लर्न कर रही हूँ, अभी मेरी ट्रेनिंग्स भी पूरी नहीं है और लेकिन मेरी टीम भी बन रही है। मैं जितने पर्सन को रिकमेंड कर रही हूँ वो भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो टीम बन रही है मेरी। और तो अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बस स्टार्टिंग चल रही है। आगे आगे 7000 भी बहुत हो गए अभी कहाँ बहुत है, 15 दिन में 7000 बहुत हो जाए। किसी ने तो बेचारा एक मजदूर सारा दिन काम लगे रहा है, जाएगा 6000-7000 रुपए कमावे। तो उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करना, आप सोच लो कि पहले इन्वेस्टमेंट करनी है आपको हर जगह पे। जैसे कोई भी आप वर्क करते हो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप उधर अगर पूरे दिन में 700 कमाते, आपके पास फोन है, 10000 का फोन रख लोगे आप, लेकिन आप तो पैसे नहीं कमा सकते इस फोन से, तो आपका फोन रखने का फायदा नहीं है। मतलब कुछ न कुछ ऐसा काम करो, कुछ न कुछ बता मैं अर्निंग कर सको फोन में। ये 10000 का ले रहे हो, इसके पूरे भी कर लो भाई। इस बेबी का इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सको हो, उसके अंदर डिस्कस कर सको हो। तो इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।